जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सेना पर हमला हुआ है। जम्मू के कठुआ के बिलावर के धड़नोता इलाके में आज सेना के वाहन पर आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें सेना के कम से कम 2 जवान घायल हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आतंकवादी ग्रेनेड लेकर आए थे और सेना को उड़ाने के इरादे से इसे फेंका और फिर फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादियों ने लोई मराट गाँव के पास सेना के वाहन पर हमला किया। जवाब में भारतीय सेना ने इलाके को घेर लिया और आतंकियों की तलाश में तलाशी अभियान चला रही है। ये हमला कठुआ जिले के मछेड़ी इलाके के धड़नोटा गांव में उस वक्त हुआ जब सेना के जवान अपनी रूटीन गश्त पर थे। वहीं सुरक्षा बल खास खतरों की तलाश में इलाके में तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना के काफिले पर भारतीय सेना की 9वीं कोर के अंतर्गत आने वाले इलाके में हमला किया गया। आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बल भी भेज दिया गया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी इलाके में है, जिन्होंने कथित तौर पर सेना के वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया है। इससे पहले सेना ने 24 घंटे पहले ही जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादियों को मार गिराया था। शनिवार को शुरू हुई मुठभेड़ों में एक पैराट्रूपर समेत 2 जवान भी शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। पहली मुठभेड़ मोदरगाम गांव में हुई थी, जब CRPF सेना और स्थानीय पुलिस की सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू किया। शुरुआती गोलीबारी में एक पैराट्रूपर गंभीर रूप से घायल हुआ। इसी समय कुलगाम में फ्रिसल इलाके में एक और भीषण मुठभेड़ हुई। ड्रोन फुटेज में लंबी मुठभेड़ के बाद 4 आतंकियों के शव मिले। इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया और एक अन्य घायल हुआ। कुलगाम में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 6 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद एक AECRR के कमांडर ब्रिगेडियर पृथ्वीराज चौहान ने सोमवार को कहा कि दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक बड़ा झटका है। रविवार को कश्मीर घाटी के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया था। जिला कुलगाम में 2 अलग अलग जगह चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को ये सफलता मिली। आतंकियों के पास हथियार भी बरामद किए गए। DGP ने कहा कि कुलगाम में सफल ऑपरेशन और जन सहयोग से ऐसा लगता है कि हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई को जल्द ही इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने में सक्षम होंगे। आपको बता दें कि हाल के दिनों में कश्मीर में लगातार मुंह की खाने के बाद आतंकियों ने जम्मू संभाग के जिले में हमलों को अंजाम देने की कोशिश की है। बीते दिनों जिला कठुआ के हीरा नगर के गांव सैंडा सोहल में आतंकियों ने एक घर को ही निशाना बनाया था। इस दौरान एक नागरिक घायल हुआ और CRPF जवान का बलिदान हुआ। हालांकि सुरक्षा बलों ने यहां 2 आतंकी मार गिराए थे। ये दोनों आतंकी पाकिस्तानी थे और दहशतगर्दों के कब्जे से पाकिस्तानी सामान और हथियार भी बरामद हुआ था। वहीं रियासी में 1 महीने पहले यानी 9 जून को आतंकियों ने एक बस को निशाना बनाया था। इसमें 9 लोगों की मौत हुई थी और करीब 50 लोग घायल हुए थे। यहां आतंकी हमले को अंजाम देकर भाग निकले थे। बस में यूपी, दिल्ली और राजस्थान के श्रद्धालु सवार थे, जो शिवखोड़ी धाम में दर्शन कर कटरा की ओर जा रहे थे। अमरनाथ यात्रा से 3 दिन पहले सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लागोर के तहत 6 घंटे से ज्यादा समय तक चली मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। दहशतगर्दों के पास से 2 अमेरिकी M4 कार्बाइन और एक AK सीरीज असॉल्ट राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।